दोस्त, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग ऑन दिस माई चैनल जोशी इंडियन एक्स वाई जेड। और आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज है डे 6 का भी, सुबह का प्यारा सा व्यू। में आप लोग जैसे 40-45 डिग्री से स्टार्ट होता है मॉर्निंग का टाइम, और अभी मेरे यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम 18 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है। 18 नहीं, मेरे ख्याल से 16 था सुबह, और अभी जो है 17-17.5 इस समय हो रखा है। और ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ओस पड़ी हुई है, का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ कब ठंड लग जाए, कब गर्मी तो नहीं लगती। यहाँ एक चीज़ है कि जैसे ही पसीना आता है, पसीना छूटने लगे, वैसे ही यहाँ पे जो है बारिश हो जाती है, ठंडी हवा चलने लगती है, ठंडा सा एकदम एहसास होता है। तो वही एहसास के लिए आप लोग भी आइए, ज़रूर आइए उत्तराखंड में। और ये वाला व्यू इतना प्यारा सा, जिसमें कि मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है अब। तो अभी चलते हैं हम छत पे। सो गाइस, अभी आ चुके हैं हम छत पे, और देख सकते हैं आप मेरे पीछे का व्यू, इतना प्यारा सा व्यू, और इतनी भयंकर इस पे ओस पड़ी हुई है। पूरा आप वाइट वाइट देख रहे होंगे, ये पूरा ओस पड़ी हुई इतनी दूर से दिख रही है इधर। और कल जैसे बारिश हुई थी, और सुबह बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना सुबह का, इतना प्यारा लगता है कि मतलब घूमने का मन करता है। और पहाड़ों पे देखो किस तरह से बादल यहाँ पे जा रहे हैं, ये वाले बादल, इधर वाले बादल देखो कितना प्यारा लग रहा है। पहाड़ों के बीच से जो बादल गुजरता है ना, वो देखने में इतना प्यारा लगता है। वहाँ पर खड़ा होना और भी प्यारा लगता है, जैसे कि ये। और वेलकम बैक, और ये हमारे घर में हमारी बुआ जी, उनकी बातें सुनाता हूँ, ठीक है, किस तरह से पहाड़ी में बातें करती है। आगे हमारी बुआ जी, और ये हमारी बुआ जी, बुआ का तो लठ ले रही है, हमको मारने जाते हैं। उनको पूर्ण नहीं चला रही, मेरे को आना हूँ फोन वंची, हाँ हाँ, किन्हीं का रिल फोन, उन सच्ची बहन मी, तो मुझे फोन है, नहीं, क्या हुआ, ना मी घर बहुत जी बात है घर भाई, वहाँ कोई सरकार नौकरी कोई 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 हस्बैंड में है लियो कूल हॉल जाए गए ओ जो ठीक बात है बल बल मंगल कोई हमारी भाभी जी, तो भाभी से भी मिलाता हूँ, अभी कॉल आ गई थी इसलिए जो कट गया था, बाकी का रिकॉर्डिंग अब होता है। नाम भर पूरे वो विशाल मर वो शिव मेह को बोझी पहला को मर वो तू ही गोरु आई चलो नैसु जनरल डबल डबल ना मेरा नहीं बोल उसकी माता में धर धर हे बुलाई अब अच्छे कब से डाल होनी भाई अब कहा है नहीं भाई मर जाएंगे तब ना उस मर जाने
अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो अभी चलते हैं थोड़ा बाजार की तरफ, घूम घाम के आते हैं। अभी बज गया 6, कम से कम आप बस आधा घंटा घूमते हैं हम लोग, क्योंकि उसके बाद इतना घना अंधेरा होने लगता है। दुकानें हैं, वो दुकान 7 बजे के आसपास बंद हो ही जाती है। और ये रहा समय धूप का, और ये अम्मा यहाँ पे मिर्ची का खेत जो है वो कर रही है, मतलब घास हटा रही है अभी। ये गांव की गलियाँ इतनी याद आएगी ना मुझे कि आज का व्लॉग वैसे भी छोटा ही बना है मेरे ख्याल से बने, और आई विल बी ट्राइड। और यहाँ पे ये धूप का नज़ारा देखो किस तरह से लग रहा है, अच्छा सीन आता है ना, धूप अचानक में छाया, एकदम से पहाड़, एकदम से ये खेत, हरे भरे खेत, यही सब है जो आनंद दिलाता है। यहाँ का सीन देखिए, मेरे बगल में है एक टावर जो कि का है, और इधर देखिए किस तरह से धूप आ रही है, और इधर पे इधर क्या बोलते हैं रोपाई के लिए भी रखा गया है जो धान वगैरह। और मेरे पीछे का इस तरह से सीन, बहुत ही प्यारा व्यू आता है पीछे की तरफ से, और मेरे सामने का पहाड़ आप देखिए, जितना मैं चलूँगा उतना लगेगा कि जैसे पहाड़ जो है ना पीछे की तरफ भाग रहा हूँ। ये हम लोग अब साइंस वगैरह तो पढ़ी होगी कि किस तरह से उसमें बताया जाता है कि पहाड़ क्यों पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं, तो वही चीज़ है एयर डिस्टेंस के कारण। और आज लेके आए हैं ये लोग गाड़ी, आज गाड़ी में बस ऊपर तक घूमने के लिए चल रहे हैं। चलो आ गया, वैसे भी आए थे हम 10 मिनट के लिए यहाँ पे, और मेरे साथ में यहाँ पे बिट्टू भाई मनीष, और ये सेकंड मनीष, और ये रहा लक्की, और ये हमारे साथ बिट्टू जी। हेलो,
सो गाइस मैं आज दिखाता हूँ आपको एक धारा जो कि सालों से बहता आ रहा है, कभी पानी इसमें ख़त्म नहीं होता, ये मतलब नेचुरल पानी है। तो वो ये है, इस तरह से ये लगातार पानी आता है, एकदम पानी जो है एकदम आरओ के जैसा पानी है। और ये देखिए यहाँ पे गाड़ी धुल रहे हैं उसी पानी के प्रेशर से, ये जो डायरेक्ट लगा हुआ है ना, ये है डायरेक्ट लगा हुआ है, इसी प्रेशर से पानी आता है और ये लगातार बहते रहता है। ये नहीं कि आप इसको रोक सको, अगर रोकेंगे तो फिर ये पानी जो ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ से निकल करके सीधे जाता है इधर नदी में, जो नदी देख रहे हैं ना, तो इसी तरह से नदियाँ बनती है हमारे पहाड़ में। और ये है पहाड़ का पूरा ऊपर से पानी आता है। ऐसे भी हो चुका है अंधेरा, तो अभी हम पहुंचे हैं इधर और अभी नाइट का व्यू और ऐसा ही है। यहाँ पे नाइट में सबसे मिलने का भी मज़ा रहता है, लेकिन बस ये है कि अंधेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है फिर हम निकलना ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बाघ वगैरह भी डर रहता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो कभी होगा तो दिखा भी दूँगा। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे, और यहाँ से अब देखो मेरे पीछे कितना जल्दी अंधेरा हो गया है, क्योंकि देरी हुई 5 मिनट में इतना अंधेरा हो गया। अब जो है घर पर रहना ही सही रहता है। अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।